सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस आर सोनम भैया एंड आज के इस वीडियो में मेरे को आप सभी के साथ एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना है आपके महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट्स के लिए। जिन भी स्टूडेंट ने मार्च के मंथ के अंदर बोर्ड एग्जाम्स 2024 दिए थे, अब उनके रिजल्ट्स एकदम सर पे आ चुके हैं एंड इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चालू है कि भैया रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, किस डेट को आने वाला है, कौन से वीक में आने वाला है। हर एक चीज आज की वीडियो में लोग क्लियर कर लेंगे। बट उससे पहले गाइस, मैंने एक चीज देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फेक न्यूज फेक वेबसाइट्स के चक्कर में आ रहे हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने इस चैनल को क्रैक स्मार्टली 10th को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के जो भी अपडेट है वो आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे क्लिक कर देना। एंड पर्टिकुलरली इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने हर एक क्लास 10th के एंड 12th के फ्रेंड के साथ। तो वीडियो पे एम करते हैं पूरे 500 लाइक्स का, लाइक बटन दबा के मारो। एंड देखो यार, मेरे को है ना आप सभी लोगों से, जो भी व्यूअर मेरे को इस टाइम पे देख रहा है, मेरे को आप सभी लोगों से एक चीज जाननी है कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जिस हिसाब से पेपर लिखा था, आप अपने कितने मार्क्स को होप कर रहे हो, मतलब आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं, आपके एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या है। आपको अभी कभी कमिट करना है कि यार मेरे को इतने मार्क्स आ सकते हैं या फिर मैं इतने मार्क्स को होप कर रहा हूँ अपने रिजल्ट के अंदर। अभी कभी कमिट करो अपने एक्सपेक्टेड परसेंटेज। एंड देखो यार, अगर अपन बात करें, कोई भी एक एक्सवाइजेड रैंडम स्टूडेंट है, वो अगर गूगल पे जाके सर्च करता है कि उसका जो क्लास 10th का या फिर क्लास 12th का रिजल्ट है वो कब आने वाला है, तो उसको ये इंटरफेस देखने मिलता है जहां पे लिखा हुआ है कि मे के सेकंड या फिर थर्ड वीक के अंदर उसका रिजल्ट लगने वाला है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब वो इसे भरोसा कर लेगा, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। होता क्या है ना, बहुत सारे वेबसाइट वाले, फेक वेबसाइट वाले अपने चैनल के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ऐसे फेक न्यूज डाल देते हैं, तो आप इनके ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करो। एंड देखो यार, मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च किया एंड थोड़ा सा एक दो आर्टिकल पढ़ के मेरे को ये समझ में आया, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि यस पॉसिबिलिटीज हैं कि मे के सेकेंड या फिर थर्ड वीक के अंदर या फिर मैक्स टू मैक्स फोर्थ वीक के अंदर आपका रिजल्ट लगने वाला है। बट वहीं पर अगर अपन बात करें, ये जो न्यूज है ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, मतलब दिस इज नॉट द कंफर्मेशन। एंड देखो यार, जो अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, एज अ बड़ा भाई बोलता हूँ, मैंने खुद ने आज से 2 साल पहले 10th के एग्जाम दिए थे, ये साल मैंने खुद ने 12th के एग्जाम दिए हैं। तो देखो यार, अगर अपन बात करें, जो भी अपडेट रहेगा आपके रिजल्ट्स को लेके, वो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आप यहाँ बात तो भटको ही मत, सिर्फ अपने इस चैनल को एंड ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करो। एंड देखो उसका भी टेंशन मत लो कि वेबसाइट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको हर एक अपडेट इस चैनल के ऊपर सबसे पहले मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो। एंड देखो यार, सिंपल सी बात है, आप सभी लोग एकदम अच्छे से अपने इस टाइम को वेस्ट मत करो कि यार रिजल्ट कब आएगा, मेरे को रिजल्ट देखना है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। आप लोग टाइम को वेस्ट मत करो, उसे यूटिलाइज करो कोई प्रोडक्टिव वर्क के अंदर, एंड रिजल्ट का क्या है आ जाएगा अपने टाइम के ऊपर। मेक श्योर आप लोग एकदम अच्छे से एक्टिव हो अपने इस चैनल के साथ, बिकॉज तभी जाके आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाला है। एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे वो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, आप लोग शेयर कर रहे हो अपने हर क्लास 10th एंड 12th के फ्रेंड्स के साथ। एंड एक और अपडेट आ रहा है कि 14th मई को आपका रिजल्ट लग सकता है। अब ये न्यूज सच है कि फेक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मेक श्योर आप लोग एक्टिव हो। एंड यस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।